चितरपुर में शहीद मंजरुल हसन मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा मंजरुल खां का 50वां शहादत दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं मुख्य रूप से मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने चितरपुर की धरती को ऐतिहासिक बताते हुए मंजूर बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जा रहा है कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, वहीं विशिष्ट में विधायक ममता देवी, पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, एक नेता रमेंद्र कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक है चितरपुर की धरती, जहां मंजूर बाबू जैसे विभूति का जन्म हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी पावन धरती से महाजनी प्रथा का विरोध हुआ और झारखंड अलग राज्य की मांग को मजबूती दी गई। ममता देवी ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को मंजूर बाबू के प्रखर व्यक्तित्व को आत्मसात करने की जरूरत है, जो हमेशा ही गरीबों की आवाज बने। मौके पर अन्य सभी वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही मंजरुल हसन खां चौक का अनावरण किया। समाज सेवी सफेक अनवर, शहजादा अनवर सहित मंजरुल बाबू के परिवार के सदस्य और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। कॉमरेड शहीद कॉमरेड मंजरुल हसन साहब के 50वीं शहादत दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग का ये कार्यक्रम था। कहीं न कहीं झारखंड आंदोलन या महाजनी प्रथा में इनका एक अहम किरदार था। गुरुजी के मार्गदर्शक के रूप में ये थे और उसी का लगाव, जो गुरुजी का ये गुरु, अब गुरुजी का हम लोग चेला आदर्श हैं गुरुजी, तो उसी के लगाव के चलते आज हम लोग यहाँ हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। क्या नया क्या रूप लेकर के आ रहे हैं यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए? देखिए, अभी अल्पसंख्यक वर्ग पढ़ाई में बहुत पीछे, शिक्षा का स्तर बहुत, उसको कैसे ऊपर उठाना है उसके लिए हम अभी हज हाउस में JPSC है, SSC है, ये सब का तैयारी हम लोग करा रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाइज में और संगठन के साथ मिल करके, समाज के साथ बैठ करके, कि मुस्लिम का शिक्षा को कैसे हम लोग ऊपर उठाएं, इसमें हम लोग।